नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की तरफ से पोल खोल अभियान की शुरुआत की गई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने इस अभियान की शुरुआत त्रिलोकपुरी इलाके से की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए। इस मौके पर अनिल चौधरी कहते नजर आए, बीजेपी पर जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी दिल्ली नगर निगम को 14 सालों में कंगाल कर भिखारी बीजेपी ने बना दिया है। आज निगम के कर्मचारी वेतन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, कर्मचारियों को वेतन के लिए हड़ताल करना पड़ रहा है। अनिल चौधरी ने कहा, अरविंद केजरीवाल निगम में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का उल्टा आरोप लगा रही है। सड़कों पर एक दूसरे पर भ्रष्टाचार का आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है, पोस्टर वॉर देखा जा रहा है, लेकिन जांच एजेंसियों से जांच ही नहीं करवाई जाती। जनता को सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी। इस तरह से कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने दोनों ही पार्टियों को निशाने पर लिया। आज एमसीडी के कर्मचारी बेचारे सड़कों पर हैं, अध्यापक टीचर्स को घर बैठाया जा रहा है, डॉक्टर सड़कों पर हैं, किसी भी अस्पताल की स्थिति ऐसी नहीं है कि उचित कोई इलाज प्रदान हो सके। आज नर्सेस परेशान हैं, आज डीपीसी चेकर जो हमारे डेली सड़कों पर लोग होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें एक से तीन बार स्ट्राइक ना हुई। केजरीवाल आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, बीजेपी आरोप लगाती है केजरीवाल में भ्रष्टाचार का। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार में बैठे जो जांच एजेंसियों पे आप चिट्ठी लिखते, सड़कों पर आप पोस्टर लगा करके एक दूसरे को आरोप लगाते, जनता को भटकाने का काम करते, उसी की कोर्ट खोलने आज हम ये त्रिलोकपुरी वार्ड में पहुंचे हैं। और ये है दिल्ली की सच्चाई, ये है अरविंद केजरीवाल की सच्चाई। वही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से स्वच्छता को लेकर लोगों को सम्मानित किया गया। दिल्ली के लाजपत नगर में आज दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की तरफ से स्वच्छता को लेकर बकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। इसमें दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ज्ञानेश भारती को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। इस कार्यक्रम में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जोन की चेयरमैन पूनम भाटी, डिप्टी चेयरमैन विनोद डीसी के साथ साथ निगम पार्षद और अन्य अधिकारी भी मौजूद नजर आए। कोरोना काल में कार्यक्रम हुआ, ऐसे में तमाम निर्देशों का भी पालन किया गया। इस कार्यक्रम में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ज्ञानेश भारती के द्वारा स्वच्छता को लेकर जागरूकता लाने वाले योद्धाओं को सम्मानित करने का काम हुआ। इसके साथ ही कई महिलाओं को भी इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, उन्हें सर्टिफिकेट बांटे गए। इसके बाद कार्यक्रम खत्म होने के बाद कमिश्नर की तरफ से हरी झंडी दिखाकर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने गली में रैलियां निकालकर लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक करने का काम किया, लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। देखिए, ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत एक हमारा अंग होता है कि सिटीजन का पार्टिसिपेशन, क्योंकि कोई भी शहर तब तक स्वच्छ नहीं बन सकता जब तक वहाँ के सिटीजन पार्टिसिपेट ना करें। तो ये एसडीएमसी की एक मुहिम थी स्वच्छता चैंपियंस को सेलेक्ट करने की। तो इसके लिए हमने जिन लोगों ने भी, जिन रेजिडेंट्स ने अच्छे काम किए थे पूरे एसडीएमसी में, हमने उनसे एक ऑनलाइन एंट्री मांगी थी, एक ऑनलाइन उनको एक प्लेटफॉर्म बनाया था कि आप अपने जो कार्य किया है आपने, आप हमें बताइए। उन लोगों ने अपने कार्य को हमारे एंट्री के थ्रू भेजा, हमारे वेरीफायर्स जाके उन्होंने वेरीफाई किया और एक ग्रुप ऑफ जजेस ने उनको जो स्वच्छ चैंपियंस को नॉमिनेट किया। तो आज 10 फीमेल और 10 मेल स्वच्छ चैंपियंस को सिलेक्ट किया गया और उनको फेलिसिटेट किया गया। आज जो स्वच्छ भारत अभियान है, एक क्रांति का रूप, एक आंदोलन का रूप ले चुका है और इसको कोई भी मतलब नकार नहीं सकता, क्योंकि सफाई ही एक ऐसी चीज़ है कि आप देखते हो कि दिवाली के टाइम में जब हम घरों की सफाई करते तो इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी घर में आएगी। वैशाद्रा जिले के आनंद विहार इलाके में बीजेपी पार्षद के भाई और भाभी के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने लूटपाट का विरोध करने पर कई राउंड गोलियां भी चलाई, जिसमें बीजेपी पार्षद की भतीजी घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये घटना रघुवरपुरा वार्ड की बताई जा रही है, जहां निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल के भाई संजीव अग्रवाल परिवार के साथ आनंद विहार इलाके में रहते हैं। जब वो टहलने के लिए घर से बाहर निकले, तभी बाइक सवार कुछ युवकों ने पिस्तौल के बल पर उनकी अंगूठी और चेन लूटकर वहां से फरार हो गए। इस दौरान आवाज सुनकर जैसे ही बेटा बेटी वहां पर पहुंचे, बदमाशों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और वहां से भाग गए। इस फायरिंग में बेटी के पैर में गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, मामले की तफ्तीश भी शुरू कर दी गई। पुलिस फिलहाल आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान हो सके, बदमाशों के बारे में कोई सुराग हाथ लग सके।
मैं वाइफ बेटा और बेटी रात को इवनिंग वॉक के लिए खाना खा के निकले थे, तो लगभग अपने घर से हम लोग 1 किलोमीटर दूर आगे गए, तो दो लोग बेटा मेरा बेटा और बेटी मेरे से 30-40 मीटर आगे थे, तो हमारे पास आगे एक मोटरसाइकिल रुकी, उस पर दो लोग सवार थे, दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, मास्क लगाया हुआ था। उन्होंने आगे मेरे से एड्रेस पूछा कि भाई करकटुमा कोर्ट का रास्ता किधर है, तो मैंने बता दिया सीधे चले आगे राइट मुड़ जाओ, तो इतने में उन्होंने रिवॉल्वर निकाल ली और मेरे सीने पे लगा के बोलते जो भी आपके पास है सब निकाल दो नहीं तो गोली मार देंगे। तो मैंने जो भी था उनको निकाल के सब दे दिया। तो उधर से हमने अपने बच्चों को आवाज़ लगाई, वो भागते हुए हमारी तरफ आ रहे थे, तो उनकी तरफ वो गोली चलाते हुए हमारा सामान लेके भाग गए। 3 अंगूठी मेरी, 3 वाइफ की और 1 चैन लेके वो चले गए। जब उन्होंने बच्चे की तरफ गोली चलाई तो बच्चे की क्या गोली लग गई है क्या? हाँ, बच्चे की पैर में गोली लगी है, दोनों पैरों में, उसका इलाज मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। छोटा भाई, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे खुशबू और तुषार टहलने के लिए निकले। जब वे शांति विहार पहुंचे तो मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों ने उनको रोक लिया, उनसे करकटुमा जाने का रास्ता पूछा। रास्ता पूछते पूछते उन्होंने हवा में गोली चलाई और भाई से कहा जो तुम्हारे पास है चैन पहनी हुई है सब मेरे हवाले कर दो। भाई ने कहा भाई तुम गोली चलाना बंद करो, मैं तुम्हें देता हूँ। उनको अपनी चैन, दोनों 3 अंगूठियां और पत्नी की 3 अंगूठियां उसको सौंप दी। भाई और उनकी पत्नी को लुटता हुआ देख के उनके दोनों बच्चे जो आगे थे वो भागते हुए उनकी तरफ को आए। जब वे उनकी तरफ को आए तो उन्होंने उनको भी डराने के लिए जमीन में गोली चलाई। जमीन से उछल कर 2 गोलियां भतीजी खुशबू के पांव में लगी, वो घायल हो गई, गिर पड़ी। बैंक अकाउंट में कहीं से कुछ पैसे आ जाए तो काफी सुकून मिलता है, लेकिन अचानक से बहुत बड़ी राशि आ जाए तो ये परेशानी का भी सबब बन जाता है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ तुकमीरपुर स्थित राजकीय कन्या उच्चतर विद्यालय की शिक्षिका वंदना चौहान के साथ भी हो गया। शिक्षिका की सुबह आंख खोली तो पता चला कि कहीं से उनके खाते में 36 लाख रुपए आ गए हैं। वो अचानक घबरा गई, इसके बाद बैंक पहुंचकर इस संबंध में शिकायत दी। बैंक ने जांच की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये राशि जारी की गई है। वास्तव में ये रकम उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के लिए जारी की गई थी, लेकिन तकनीकी गलती की वजह से शिक्षिका के खाते में जा पहुंची। बहरहाल बैंक ने उक्त राशि को फ्रीज कर दिया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार और राशि जारी करने वाले बैंक को भी सूचित कर दिया गया है। बता दें, वंदना परिवार के साथ नेहरू विहार में रहती है। उनके पति राजकीय बाल उच्चतर विद्यालय नंबर 2 में मोहित कुमार भी शिक्षक ही है। वंदना ने बताया, सुबह मोबाइल पर उनके एक SMS आया। SMS देखा तो पता चला अचानक से उनके अकाउंट में 36 लाख रुपए क्रेडिट हो गए हैं। उन्होंने अपने पति को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद दोनों ही पति पत्नी बैंक में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहुंचे, तब जाकर पूरी सच्चाई का पता चल सका। स्थानीय लोग शिक्षिका वंदना की इस ईमानदारी की मिसाल भी अब दे रहे हैं। सर, इसमें ऐसा हुआ कि कल मॉर्निंग में जब मैं उठी, अलार्म बजा और मैंने उसको फिर ऑफ करने के बाद मैंने देखा एक मैसेज पॉपअप हुआ मेरे फ़ोन में, इस फोन स्क्रीन पर, तो उसमें ये था 36 लाख का कुछ अमाउंट का कुछ मैसेज था। तब मैं नींद में थी, मुझे शुरुआत में जो मेरा एक्सपीरियंस था मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए। फिर मैंने फिर दोबारा देखा, उसमें था क्रेडिट हुआ है। फिर मुझे लगा शायद ये जो कई फ्रॉड मैसेजेस आते हैं कि आपने ये लॉटरी विन की है, तो मुझे वही लगा कि शायद ऐसा कुछ है। मैंने फिर ध्यान से मैसेज देखा तो उसमें मेरा अकाउंट बैलेंस भी था और वो बैंक से मैसेज आया हुआ था। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गई कि ऐसा कैसे। फिर क्योंकि मुझे था कि मेरा कोई ऐसा, वो मेरा सैलरी अकाउंट है, तो ऐसा कोई था भी नहीं कि मुझे कहीं से ऐसा कोई रकम मिलने वाली है। मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, मेरे अकाउंट में 36 लाख क्रेडिट हुए हैं। तो इन्हें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर जब हमने अपनी पासबुक चेक की तो उसमें भी वो अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। तो फिर यही लगा कि चलिए अभी तो कुछ नहीं कर सकते। 5 o'clock हो रहे थे उस टाइम पर कि जैसे ही बैंक ओपन होते हैं हम जाकर वहाँ पर इन्फॉर्म करेंगे। जैसे ही स्कूल से आई, मैं अपनी वाइफ को लेके IDBI बैंक गया। वहाँ पे मैनेजर साहब से बात करी, उन्होंने अकाउंट जो NEFT की डिटेल निकाली, उससे पता चला कि ये अमाउंट तो UP गवर्नमेंट का है, लखनऊ से ट्रांसफ़र होना था किसी UP गवर्नमेंट के अकाउंट में, लेकिन गलती से वो बैंक के डिजिट का हुआ, उसकी वजह से हमारे अकाउंट में आ गया। लेकिन नेम ऑफ बेनिफिशियरी उसमें किसी UP गवर्नमेंट के विभाग का नाम था। उसके बाद
मैनेजर साहब से कह के वो अमाउंट हमने अपने अकाउंट में ही सीज करवा दिया क्योंकि उसको कोई निकाल नहीं सकता था। और आज थोड़ी देर पहले वो NEFT थी जो वो उसी डिपार्टमेंट को रिवर्स कर हो गई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।